मेरा कसूर बताओ सुरेश। आपका कसूर कुछ भी नहीं है। उसने क्यों ऐसे किया? Can you send me video? मैं सेंड कर दूंगी, मैं लाइव के बाद सेंड कर दूंगी। मैंने तब भी आपसे कोई बात भी नहीं की है, जो भी था उसने पब्लिकली कर दिया है। वीडियो मेरे पास भी आ चुकी है, वीडियो सबके पास। ऑफलाइन आई कांट, मैं ऑफलाइन पे बात नहीं कर सकती। ऑनलाइन है, ऑनलाइन क्लियर करो। मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ है, क्या बोलते। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ ना दुबई, अकेली आई हूँ मैं। पहली दफा, अल्लाह की कसम, मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया। पहली दफा मैं सिर्फ आपका कॉन्सर्ट देखने आई हूँ। मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, मुझे इवन ये नहीं पता था टिकट कैसे बुक होती है। मैं आपके लिए आई हूँ, आपकी वैल्यू है तो मैं आपके लिए आई हूँ, ठीक है। और अगर मैं आ गई हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ, अपनी फैमिली को टाइम दे रही हूँ, मैं लाइव नहीं आ रही, तो ये लोग, तो वो लड़की पीछे ये बोल रही है कि मैं आपके साथ हूँ, जबकि मैंने बोला कि मैं लड़की कहूंगी। यार मैं नहीं नाम ले रही उसका, आपको नहीं पता कौन लड़की है, पूछो सबसे, इनको नहीं पता। सब लोग देखी बैठे, सब लोग सुनी बैठे। अब चाची क्या हो, बोलो। अभी मैं चाहती हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ। मुझे ये बताओ, मैं आप दोनों के बीच में आई हूँ कभी? कौन दोनों? बच्चे मत बनो प्लीज, मैंने आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि खुदा का वास्ता है, ये मत बोलो कि आप। उसने कट कर दिया, लोगों को लग रहा है कि मैं अब दोनों का ब्रेकअप करवा रही हूँ। ब्रेकअप नहीं है, डिवोर्स के लिए। अरे डिवोर्स क्या हो, वो मेरा सरकार है। प्लीज ठीक, मैंने बता दिया वो वाली बात। अरे बताओ क्या हुआ, सबको लग रहा मजाक है। नहीं नहीं, अरे मुझे बताओ तो सही, क्या बात हुई? Really confused, is this prank? अरे नहीं, कौन सा prank? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये कैसा flop prank हो रहा है? Elia, तुम अभी उसके साथ बैठी हुई थी, क्या बात हुई मुझे बताओ। Thank you, पतलू आर्मी। अबे ये suspense क्यों डाल रही हो? मैंने कभी उसकी privacy leak नहीं की, मैंने कभी उसकी बातें leak नहीं की। मैं उसकी life में नहीं हूँ, I respect him a lot, और मैं हमेशा respect करूँगी। मैंने कभी ऐसी बातें नहीं की, ठीक है, लेकिन मेरी फैमिली के लिए बहुत इशू हो गया है। मैंने कभी इन लोगों को नहीं बोला कि मैं उसकी लाइफ में नहीं हूं कहीं पे। इन लोगों को इस वजह से नहीं कि क्या बोलूं मैं? मुझे ये बताओ, अभी तुम उसके साथ लाइव बैठी हुई थी, क्या बात हुई मुझे इतना बताओ। वो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, वो इवन मुझसे पूछ रहा है कौन सी लड़की। अच्छा वो कह रहे, अच्छा तुम तो बताओ कौन है ये लड़की जिसने वीडियो डाली है जो तुम कह रही हो कि वायरल हुई है, जिसमें वो कह रही है कि मेरा उस रेश। हाँ कोई वीडियो ऐसी आई है जिसमें लड़की कह रही है कि मेरा उस सुरेश का रिलेशन है? सुरेश को नहीं पता उसका रिलेशन है, वो मुझसे पूछ रहा है। वो झूठ बोल रहा है तुम कह रही हो? नहीं, सुरेश को नहीं पता उसका रिलेशन है, वो मुझसे पूछ रहा है। तो तुमने ये पूछा सुरेश से कि क्या वो तुम्हें लेके सीरियस है? अभी सबको बता दो मेरा कसूर नहीं है, एक दफा सबको बता दो मेरा कसूर नहीं है। मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आ रही हूँ। आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट हर, आई रिस्पेक्ट योर लाइफ। गाइस मुझे नाम लिखना कमेंट्स में, कौन है ये लड़की, अगर आप लोग जानते हैं।
तो यार माइक हटा के बात करो क्या, माइक पे बात करें। मैं माइक लगाता हूँ ताकि मेरी आवाज आए। प्लीज एक दफा सबको बता दो कि मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आ रही, उसको एक बार समझ नहीं आती। ठीक है आ गई लड़की, वो मुझसे पहले से है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं सुरेश की रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि वो पहले से है। मैंने कभी सुरेश को नहीं कहा कि जबरदस्ती तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ या जबरदस्ती तुम मुझसे प्यार करो या ये वो। मैंने कभी उसको, मैंने कभी ऐसी बात ही नहीं की यार। तो पहले से है, मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो सुरेश नहीं मान रहा, सुरेश नहीं मान रहा कि कोई ऐसी लड़की है। मुझे पहले वीडियो सेंड करो कि उसने सच में कहा है या नहीं कहा। मैं नहीं जानता कोई लड़की। मैंने कहा तुम नहीं जानते कोई लड़की है तो भेजो ना उसको यार वीडियो। यार उनकी मैं क्यों भेजूं यार, मैं उससे बात नहीं कर रही, मैं उससे इस बारे में नहीं बात कर रही। मैंने कहा सिर्फ अब जब लाइव पे सब कुछ आएगा तो यही आएगा कि वो यही बोल रही है